आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको घर बैठे फ्री में सबसे पहले मिल सकेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शरीर के लिए बहुत जरूरी एक विटामिन होता है विटामिन ए, उसकी भरपाई कैसे की जाए। दोस्तों स्वस्थ आंखें, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, स्वस्थ त्वचा और हार्मोनल प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये फेफड़े, लीवर, किडनी और पाचन अंगों का समर्थन करता है। इसके अलावा विटामिन ए हड्डियों और शरीर की अन्य कोशिकाओं को मजबूत रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर विटामिन ए न केवल कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है बल्कि मुक्त कणों को टूटने से रोकता है और हमारे शरीर में सूजन संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं होने देता है। तो चलिए विस्तार से इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर विटामिन ए किस किस में पाया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टमाटर की। टमाटर विटामिन सी और लाइकोपिन का एक बहुत ही उत्कृष्ट स्रोत होता है। टमाटर कैलोरी में कम होता है और कई विटामिन और खनिजों में उच्च होता है। आपको बता दें कि सिर्फ एक मध्यम आकार का टमाटर आपको 20% विटामिन ए प्रदान करता है। ये मधुमेह, त्वचा की समस्याओं और यूटीआई से राहत प्रदान करता है। इसके अलावा टमाटर पाचन में सुधार करता है और ब्लड सर्कुलेशन को उत्तेजित करता है। बात करते हैं मटर की। मटर की मौजूदगी भोजन के प्रति आपकी रुचि में दोगुना रस पैदा कर देती है। मटर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यह विटामिन ए की कमी को पूरा करने में मदद करती है। इस स्वादिष्ट सब्जी को अगर आप खाते हैं तो शरीर में विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन बी भी आसानी से मिल जाता है, इसलिए आप मटर खाना शुरू कीजिए। अगली बात करेंगे शकरकंद की। शकरकंद कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, साथ ही इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीज और कई अन्य विटामिन और खनिज अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। शकरकंद नाश्ते का एक अच्छा विकल्प है। अगर आप इसे सलाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। हरी सब्जियों की बात करें तो अमेरिका कॉलेज ऑफ पोषण के जर्नल के मुताबिक हरी सब्जियों में मौजूद ल्यूटिन और जैक्सेथिन स्ट्रोक, हृदय रोग और स्तन और फेफड़ों के कैंसर को रोकने में मदद करता है। एक अध्ययन में सामने आया कि जो लोग हरी पत्तेदार सब्जियों की सलाद अपने रोज की खुराक में शामिल करते हैं उनका दिमाग हमेशा जवान रहता है। बात करते हैं कद्दू की। हालांकि बहुत कम लोगों को कद्दू पसंद होता है, लेकिन आश्चर्य होगा कि कद्दू में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसमें विटामिन ए सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कद्दू खाना दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। कद्दू में मौजूद फाइबर, पोटेशियम और विटामिन सी दिल के स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि पर्याप्त पोटेशियम का सेवन उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि कद्दू में पाया जाता है। बात करेंगे मछली की। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मछली खाते हैं, उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का मछली बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होती है और आवश्यक पोषक तत्व जो इसमें होते हैं वो हमारे मस्तिष्क और दिल को स्वस्थ बनाए रखते हैं और विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। अब बात करेंगे दूध की। दूध हड्डियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूध कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत होता है जो स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। एक गिलास दूध आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यह न केवल कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है बल्कि बहुत सारे विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। अगर आप सुबह शाम एक एक गिलास दूध पीते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।